राजस्थान में सीएम फेस को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजस्थान से दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी की आज अहम बैठक होगी। अरुण सिंह सीपी जोशी वरिष्ठ नेताओं से मिले। अरुण सिंह सीपी जोशी सभी विधायकों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बीजेपी ने 115 सीटों के साथ राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल की है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री राजस्थान में बीजेपी की तरफ से कौन होगा, ये देखने वाली बात है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी मीना शर्मा का। मीना, जरा बताएं हमें, क्योंकि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है, बीजेपी को जल्दी फैसला लेना है, और कब यह फैसला आएगा? रवि, इसी फैसले का सबको इंतजार है। निश्चित रूप से कांग्रेस में 48 घंटे बाद जब ये चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद कांग्रेस की लंबी बैठक आपने जैसा खुद कहा कि चल रही है, और उसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम का फैसला हो सकता है, लेकिन जो बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री का, वो क्यों नहीं हो पा रहा, ये एक सवाल है। और रवि, आपको ध्यान होगा, हमने बार बार हमारे कार्यक्रमों में न्यूज 24 पर इस बात का जिक्र किया है कि वसुंधरा राजे इस चुनाव में, चुनाव प्रक्रिया जब शुरू हुई उससे भी बहुत पहले, जब चुनावी माहौल बनना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक जो एक टॉकिंग प्वाइंट बना हुआ है राजस्थान में बीजेपी में, वो है वसुंधरा राजे। अभी तक वसुंधरा राजे ने बहुत संतुलित व्यवहार, उन्होंने फेस नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। लगातार राजस्थान की राजनीति में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें वो अहमियत नहीं मिली जिसकी कि उन्हें अपेक्षा थी, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दो बार की पूर्व के मुख्यमंत्री है, राजस्थान की कद्दावर नेता है, राजस्थान में बीजेपी का एक अकेला ऐसा चेहरा है जिसे पूरा मास, जिसे कहते हैं मास लीडर के रूप में पहचान है। लेकिन अब राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा अध्याय जो है उस पर एक अलग तरह की राजनीति हम पिछले 6 महीने से लगातार देख रहे हैं। यूं तो पूरे पिछले 5 साल में ही वसुंधरा राजे जो है वो साइडलाइन रही, एक्टिव नजर नहीं आई, ना संगठन में कोई बहुत ज्यादा उनकी सक्रियता रही, होने को वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही लेकिन कोई बहुत अहमियत उनकी नहीं दिखी। टिकट बंटवारे के वक्त उनकी राय ली गई और बड़ी संख्या में ऐसे विधायक चुनकर भी आए जो उनके समर्थक कहे जाते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नाम पर जब फैसले की बारी है तब शायद वसुंधरा राजे का, रवि, पेशेंस जो है, सब्र जो है, सब्र का बांध थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कल की घटना से कि वो टूट रहा है। कल जिस तरह से उन्होंने विधायकों को डिनर पर बुलाया, कुछ विधायक अति उत्साह में बोलकर अंदर गए कि डिनर पर बुलाया है, और उसके बाद इस बात का खंडन किया गया अंदर से, वसुंधरा राजे के जो सहयोगी लोग हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये डिनर नहीं था। उसके बाद लोगों ने भी बाहर आकर, विधायकों ने वापस कहा कि हम मिलने गए थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने कहा जा रहा है कि लगभग सभी विधायकों को जो उनके समर्थक कैंप के माने जाते हैं, 100 से ज्यादा विधायकों की उन्हें उम्मीद थी, बुलाया था उन्होंने लेकिन पहुंचे नहीं इतनी बड़ी संख्या में, और विधायक जो मिलकर भी आए हैं, रवि, वो भी बड़ा संभल कर बोल रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, और जो निकले हैं यहां से मिलकर, वो कहीं ना कहीं उनके भी एक चेहरे पर तनाव देखा जा सकता है कि इसकी प्रतिक्रिया किस तरह से होगी। वसुंधरा राजे को अगर इस मुख्यमंत्री की रेस में भी जिस तरह की अभी संभावना है, क्योंकि उनका बहुत सारे लोग ये कह रहे, रवि, कि वो नंबर 1 रेस में अभी भी है, लेकिन बड़ी संभावना इस बात की है कि जिस तरह चुनाव में उन्हें दूर रखा गया, अब भी उन्हें कोई और नई जिम्मेदारी के साथ जो है वो आगे बढ़ाएं राजस्थान। इंतजार है, इंतजार है मीना, इंतजार है क्योंकि मैसेज देने की कोशिश अपनी तरफ से सभी पक्ष कर रहे हैं। राजस्थान से भी एक मैसेज देने की कोशिश वसुंधरा ने की है कि शक्ति प्रदर्शन करके कि नंबर्स मेरे पास हैं। दूसरी तरफ अब मैसेज दिल्ली से क्या आएगा, वो मैसेज काफी महत्वपूर्ण होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन है, और आप सभी को एक्सेप्ट करना होगा। सीधा रुक कर लेते हैं, केजे श्रीवत्सन कांग्रेस दफ्तर के बाहर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। केजे, जरा बताएं, क्योंकि अब कांग्रेस ने तो सत्ता गंवा दी है, सरकार गंवा दी है, आगे हार पे मंथन हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच क्या सही हार की वजह जान पाएगी कांग्रेस? क्योंकि अभी हम चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जा रहा है।
रवि देखिए राजस्थान में ठीक रहा ईवीएम पर तो नहीं फोड़ा जा रहा है, लेकिन यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं निर्दलीय और बागी जो उम्मीदवार थे उन्होंने पार्टी का खेल बिगाड़ा है, कई जगह उम्मीदवारों की हार का कारण बने हैं। और इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक थे, क्योंकि हमने कई विधायकों से बात की है, उन्होंने न्यूज 24 के कैमरे पे बोला है कि कई विधायक थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उन्हें टिकट दे दिया गया, ये गलत किया, युवा चेहरे को कम मौका दिया। और इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक जो 5 साल से सरकार को समर्थन दे रहे थे वे लगातार सरकार की योजनाओं को सही तरीके से प्रचारित नहीं करके उल्टी का सरकार का बेजा फायदा उठाने लगे, जिससे जनता में आक्रोश हुआ और आसपास की सीटें भी कांग्रेस को हारनी पड़ी। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आई। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो मुकुल वासनिक है, मधुसूदन मिस्त्री, भूपेंद्र हुड्डा, ये तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद है, पर्यवेक्षक के रूप में बनकर ये तीनों आए हैं। विधायकों से जो नए जीत कर आए उनसे 1-to-1 बातचीत हो रही है कि उनके इलाके में हार या जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है। इसके अलावा यह पूछा जा रहा है कि क्या अब संगठन में भी बदलाव की वे जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा बार बार कई विधायकों ने हमारे कैमरे पर भी यही बोला है कि सचिन पायलट जैसे युवा को अब जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है, संगठन को मजबूत करना है, पार्टी में इस हार से जबरदस्त निराशा है क्योंकि रिवाज नहीं बदल पाए। तो इस तरह की तमाम बातें, एक एक विधायक से इंडिविजुअली ये लोगों ने बातचीत की, उनकी राय ली, क्योंकि यदि ये तीनों पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपने पास बैठा कर इन विधायकों से राय शुमारी करते तो निश्चित तौर पर कई चीजें सामने नहीं आती। लेकिन अब ये तीनों ही पर्यवेक्षक बैठे थे अंदर और इन्होंने एक एक विधायकों से बातचीत की। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस हाईकमान गंभीरता से हार के कारणों पर मंथन कर रहा, चिंतन कर रहा और उसे किस तरह से आगे बढ़ना है इसे लेकर विचार विमर्श कर रहा। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पहुंच चुके हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, तो वे भी बता रहे हैं कि क्या किस तरह की क्या वजह रही और अब किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ना है। लेकिन फिलहाल तो सबकी नजर इसी बात को लेकर है कि राजस्थान का मुख्य सचेतक अब कौन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजस्थान के प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि इन पर ही काफी दारोमदार निर्भर होगा। क्या शांति धारीवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं उन्हें क्या नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, सचिन पायलट को क्या पीसीसी की कमान सौंपी जाएगी या उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, इस तरह की तमाम अटकलें कांग्रेस में भी बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल, अटकलें बनी हुई हैं, सस्पेंस बना हुआ है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा।